टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सपोज करो ये आपके पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया मैंने। आप फिगर में देख सकते हो इसमें करंट कैसे है, ये ऊपर गया, नीचे आया और इधर गया, ऐसा करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ये भी क्लियर है। तो बी वेक्टर राइट है और एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो ये लूप है। तो अगर मैं अपनी फिगर ऐसी दिखाता हूँ तो लूप और बी आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन, तो लूप और बी सेम डायरेक्शन में, कोई डाउट इसमें। मेरी फिगर लेकिन ऐसी नहीं है, मेरी फिगर में कैसे है आप देख रहे हैं, ये एंगल क्या है, थीटा, लूप अंदर घुसी हुई है बोर्ड के। तो मतलब कि अगर आपका बी वेक्टर ऐसे है, लूप ऐसे नहीं है, लूप ऐसे है, तब चेक करो अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पेन जा रहा है, लूप ऐसे है, तो ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल थीटा है। तो मतलब लूप ऐसे नहीं है, लूप ऐसे है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे से भी आप चेक कर सकते हैं कि लूप ऐसे नहीं है, लूप ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अंदर घुसी हुई है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। ये बात समझ में आती है। अब आप इस लूप को चार हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा ये रहा, इसकी लेंथ एल है, करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फॉर्मूला बोलें, एफ इज बी आई एल साइन 90, क्योंकि लेंथ में और बी में एंगल कितना बना हुआ है, 90, तो बी आई एल साइन 90, कोई डाउट इसमें। डायरेक्शन बताएं फोर्स की, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है, ऐसे है, करंट कैसे है, ऐसे है, फोर्स कैसी है, बोर्ड के अंदर है, तो बी करंट फोर्स। तो इस पूरी लाइन पे फोर्स कैसे लग रही है, बोर्ड के इनसाइड, तो एफ वेक्टर बोर्ड के इनसाइड है, कोई डाउट इसमें, सही है। अब दूसरा देखो, ये लेंथ भी एल है, इसके ऊपर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, कितनी, बी आई एल साइन 90, क्योंकि लेंथ में और बी में एंगल कितना है, 90, तो बी आई एल साइन 90। डायरेक्शन बताओ, बी वेक्टर कैसी है, ऐसे, और करंट कैसे है, नीचे, फोर्स कैसी है, बाहर, बी करंट बाहर। तो इस पूरी वायर में फोर्स कैसे है, इनसाइड, इस पूरी वायर में फोर्स कैसे है, आउटसाइड। तो पहली चीज तो ये लिख ली हमने, F1 का मतलब बी आई एल साइन 90 इनसाइड है, F2 का मतलब बी आई एल साइन 90 आउटसाइड है। F1 F3 तो आ ही गया, ये F1 है और ये F3 है। अब बात करते हैं F2 की। F2 के लिए अब ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल डायग्राम बनाऊँ इसका, तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है कि ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा लूप है। लूप अंदर की तरफ है, ये बी वेक्टर के साथ नहीं है, लूप ऐसा है, मानते हो इस चीज़ को, लूप ऐसा नहीं है, लूप ऐसा है। अगर लूप ऐसा है और लूप में करंट कैसे जा रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है, फिगर में देखो ऊपर जा रहा है, तो ये वायर में ऊपर आ रहा है और इस ऊपर वाली वायर में इधर आ रहा है, देख रहे हो, ऊपर वाली वायर में इस तरफ आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो इस वायर में ऐसे आ रहा है, तो इसकी लेंथ वेक्टर क्या होगी, ये होगी, L वेक्टर ये होगा, क्योंकि L वेक्टर लेने का तरीका क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में L वेक्टर है। तो आप ये बताएं, अब आपका B वेक्टर कहां पर है, ये आपका B वेक्टर है, L वेक्टर कहां पर है, ये रहा, और ये वाला एंगल क्या बना हुआ था, थीटा, पीछे वाला एंगल, इस लूप ने B के साथ एंगल क्या बनाया था, थीटा, तो इसने इसके साथ एंगल क्या बनाया, 180 माइनस थीटा, देख रहे हो अंदर का एंगल थीटा, लेकिन इसके साथ बी ने एंगल क्या बनाया, 180 माइनस थीटा, ठीक है यहां तक। क्यों लिया मैंने ये 180 माइनस थीटा, क्योंकि मैं फोर्स निकालना चाहता हूं इस पे, इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या लगेगी। अब ये देखो, इसमें बी वेक्टर कहां है, इस तरफ है, इसमें जो बी वेक्टर है वो इस तरफ है, करंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है,
करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, एल वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल क्या है, बी और एल में एंगल 180 माइनस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो, बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा, तो बी आई एल बी वेक्टर, एल वेक्टर क्योंकि ये है और इनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा। कोई कहता है गलती से अगर थीटा ले लें, ले लो, क्वेश्चन गलत तो होगा नहीं, क्योंकि मेडिकल वालों को समझा देता हूं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा या साइन थीटा एक ही होते हैं, फर्क ही नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर तुमने गलती से 180 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा भी लिख लिया, कोई फर्क ना पड़ता, आंसर तो वही आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? पर टेक्निकली मैं सही बोल रहा हूं, टेक्निकली सही बोलना चाहिए, तो मेरे को ये बी वेक्टर और ये मेरे को ये बोलना चाहिए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा। अब बात करते हैं नीचे की वायर, नीचे की वायर में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये देखो बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो मेरे इसमें ऐसे जा रहा है, तो नीचे वाली वायर में करंट ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर कैसे है, ऐसे है। अब देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऐसे है, तो मैं इसके बीच में बी वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर ये रहा, और करंट ऐसे जा रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, देखो ना, बी वेक्टर ये रहा और ये करंट जा रहा है ऐसे, एल वेक्टर ये रहा, एल वेक्टर बी वेक्टर में एंगल क्या है थीटा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी आई एल साइन थीटा। सही है यहां तक? तो चार फोर्सेस आ गई, ये फोर्स बी आई एल साइन 90, ये फोर्स बी आई एल साइन 90, ये फोर्स बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा, और ये फोर्स बी आई एल साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो डायरेक्शन में एक चीज जरा ध्यान से देखनी है कि अगर सपोज करो यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बी वेक्टर है, ये देख लो इधर प्लीज, ये बी वेक्टर, ये घर पे जगह समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये बी वेक्टर है, ये एल वेक्टर है, एल वेक्टर करंट के साथ है, तो बताओ अगर ये एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? फ्लेमिंग का लगाओ लेफ्ट हैंड रूल, लगेगा लगेगा क्या? फ्लेमिंग ने कहा था कि दो फिंगर को 30 डिग्री या 20 डिग्री पे ले लेना, उसने बोला था तीन फिंगर कितने एंगल पर लेना, 90 पे लेना, ये शॉर्टकट है। तो तुम्हारा यहां तो फ्लेमिंग का रूल चल गया कि बी वेक्टर इधर है, करंट इधर है और फोर्स अंदर है, क्योंकि सब 90 डिग्री पे हैं, पर यहां नहीं चलेगा, फ्लेमिंग का रूल चलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा बी वेक्टर तो इधर है और मेरा एल वेक्टर इधर है, और इनके बीच में एंगल 90 है ही नहीं, इनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो फ्लेमिंग का रूल फोर्स से निकाल पाएगा इसमें, 90 डिग्री बना ही नहीं, तो फिर नहीं करेगा, तो फिर काम करना पड़ेगा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी, तो फोर्स वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल एंड बी, तो ये पाम रूल लगाना पड़ेगा प्लस वन के वेक्टर से, जो आप शुरू से लगाते आ रहे हो, ठीक। तो इसके अंदर ये बी वेक्टर है और ये एल वेक्टर है, तो क्या फॉर्मूला है, एल क्रॉस बी, तो ये मेरा एल है करंट के साथ, ऊपर वाली वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये मेरा एल वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो क्या बनेगा, एल क्रॉस बी, राइट हैंड से एल क्रॉस बी, जैसे आई क्रॉस जे नहीं करते थे, एल क्रॉस बी, तो फिर थंब कहां आएगा, ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगी, ऊपर, और वैसी इधर करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ नीचे वाली वायर में, और बी तो इधर था, तो एल एल इधर होगा करंट के साथ, क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, तो थंब कहां आएगा, नीचे। हालांकि आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आपसे कोई ना पूछेगा ये, आपको तो ये याद होना चाहिए कि इस लूप में एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर लगेगी, बात ही खत्म है, पर तुम मुझसे पूछ सकते हो ये कैसे आया, तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट से ऊपर आया, ये क्रॉस प्रोडक्ट से नीचे आया, पर आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप तो इस डेरिवेशन के अंदर सीधा ऊपर नीचे ही बनाना, बात ही खत्म है, पर मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे किया। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर अगर रिवाइज करें, F1 की वैल्यू बी आई एल इनसाइड, F3 की वैल्यू बी आई एल आउटसाइड, F2 की वैल्यू बी आई, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो लंबाई है इस रॉड की वो L नहीं है, वो क्या है, वो P है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
ये एल है, ये बी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी आई एल की जगह बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ ना करेक्शन कर लेना, मैंने गलती से एल ले लिया, यहाँ पर ना स्मॉल बी आएगा क्योंकि ऊपर वाली वायर की लंबाई कितनी है स्मॉल बी और नीचे वाली की भी स्मॉल। करेक्शन करो डेरिवेशन में, एल की जगह जहाँ एल 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 है यहाँ पे इस स्मॉल बी करो प्लीज, इसमें इस लाइन में। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये वैल्यू भी बी आई बी साइन थीटा और ये वैल्यू भी बी आई बी साइन थीटा। कहने का मतलब इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये डायग्राम बनाओ और सीधा लिख देना, बिल्कुल इसमें सीधा लिख देना कि ये दो फोर्सेस अंदर और बाहर हैं और ये ऊपर और नीचे है। अब आप ये देखें, अगर फोर्सेस ऊपर और नीचे हैं, है ना, अगर फोर्सेस ऊपर और नीचे हैं, अगर फोर्स ऊपर है, अगर फोर्स नीचे है, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो, और ये आपस में क्या कर जाएगा, कैंसल। तो लूप ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये दोनों फोर्सेस टॉर्क में बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, लेकिन ये जो फोर्स है पूरी की पूरी वो कैसे लग रही है, बोर्ड के अंदर, और ये क्या लग रही है, बोर्ड के बाहर। अब देखो ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के अंदर, ये क्या करेगा, इसे घुमा देगा, तो ये लूप घूम जाएगा, तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए करंट कैरिंग वायर अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा तो इसमें फोर्स कैसी लगेगी, इसके अंदर फोर्स लगेगी इनसाइड और इसमें फोर्स लगेगी आउटसाइड, और ये क्या करेगा, इसे घुमा देगा, तो F1 और F3 फोर्स टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सही, अब लास्ट स्टेप पे मैं टॉर्क की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया, टॉर्क का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें टॉर्क है। अब मुझे ये बताओ कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसमें, पहली फोर्स बोर्ड के अंदर पूरी वायर पे, दूसरी फोर्स बोर्ड के बाहर, तो अगर मैं एक फोर्स बोर्ड के अंदर लूं F1 वेक्टर और एक बाहर लूं, तो फिर इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा बिल्कुल सीधा डिस्टेंस ये बनेगा। तो अगर मैं F1 और F3 निकाल दूं, जो कि मैंने निकाला हुआ है, और इनको इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, डॉट 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 डॉट, तो ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लूप, ऐसे, क्योंकि क्योंकि मैं ये लेंथ निकाल दूं और ये लेंथ निकाल दूं, बात तो एक ही है, तो मैं ये निकालना आसान समझता हूं। कैसे इसको निकालना इसलिए आसान है क्योंकि लंबाई क्या है, स्मॉल बी, अगर ये थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी क्या है, थीटा, तो उस केस में ये स्मॉल बी, ये थीटा, तो ये क्या आएगा, बी कॉस थीटा, चेक कर लो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये क्या आएगा, बी कॉस थीटा, तो यानी कि ये लेंथ भी क्या आ जाएगी, बी कॉस थीटा, एक ही बात है। तो दो फोर्सेस का क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तुम एक काम करो, आपकी बुक्स क्या करती हैं, ये ट्राइंगल देख रहे हो, इसको ना अलग से नीचे बना लेती हैं, अलग ट्राइंगल है तो वही चीज़, ट्राइंगल को अलग फिगर बना ली, ये एक्चुअल में तो ये लूप ऐसा था, एक्चुअल में तो ये डायग्राम है पूरे का पूरा, ये सेम डायग्राम है, पर ये फिगर अलग है। बस इस फिगर में ये बताया जा रहा है, इस फिगर में ये बता दिया कि इस हिस्से पे फोर्स अंदर लग रही है और ये वाले हिस्से पे फोर्स बाहर लग रही है, और क्योंकि लंबाई स्मॉल बी है, ये थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा फोर्स, अब F1 F3 का मैग्नीट्यूड क्या आया था, बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या आएगा, बी कॉस थीटा। तो टॉर्क क्या आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस थीटा। तो स्टेप समझ में आ रहा है, तो ये टॉर्क की डेरिवेशन आ गई, और L इंटू बी एरिया ऑफ अ लूप है, यहाँ एरिया पुट कर दें, टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया बी आई ए कॉस थीटा, इसमें नंबर ऑफ लूप एक है, अगर मैं दो लूप लूँ तो दो टॉर्क होंगे, तीन तो तीन, चार तो चार, n तो n, तो n नंबर ऑफ लूप्स के लिए टॉर्क का फॉर्मूला n बी आई ए कॉस थीटा। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का फॉर्मूला होना करंट कैरिंग लूप, टॉर्क का फॉर्मूला ऑन अ करंट कैरिंग लूप, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एन बी आई ए कॉस थीटा, एन बी आई ए कॉस थीटा। हाँ, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, फोर्स जीरो है तो टॉर्क जनरेट कर जाती है।
पेपर में आता है इस लूप पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, नेट टॉर्क है नॉन जीरो, क्योंकि एफ वन एफ थ्री फोर्स तो बराबर ही है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो ही मार्क करना है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल। आपको ये एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये एंगल किसके किसके बीच में लिया, ये एंगल लिया किसके बीच में, एंगल थीटा इज बिटवीन प्लेन ऑफ अ लूप एंड बी वेक्टर, प्लेन ऑफ अ लूप एंड बी वेक्टर। तो जैसे अगर आपके पास ये एक लूप है, ये लूप और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बोलो टॉर्क क्या होगा, बी वेक्टर इस तरफ है, प्लेन ऑफ द लूप भी इस तरफ है, बी और प्लेन ऑफ द लूप में एंगल क्या है, जीरो, तो टॉर्क क्या होगा, एन बी आई ए कॉस जीरो। और अगर मैंने लूप को ऐसे घुमा दिया सच दैट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल 30 डिग्री बना दिया ये वाला, तो एन बी आई ए कॉस 30, एन बी आई ए कॉस 30 आंसर है। ठीक, तो थीटा एंगल किसके बीच में है, लूप में और बी वेक्टर में, लूप में और बी वेक्टर में, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब यहां तक बात होती ना तो खत्म ही थी, आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, वो याद कर लेंगे, लिख लेंगे, आंसर आ गया। वो आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज भी नहीं करेगा, ये एक्सटेंडेड वर्जन है इसका। टॉर्क का एक्सप्रेशन बुक्स ऐसा यूज नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है इसमें जो कंफ्यूज कर देगा, ये ध्यान से आपने सबने आगे देखना है प्लीज। वो कहेगा कि ये एक प्लेन ऑफ द लूप है और ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर है, नॉर्मल बोल लो एरिया वेक्टर बोल लो एक ही बात है। तो मुझे एक चीज का आंसर दो इसमें कि अगर आपके पास ये लूप है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर और लूप एक डायरेक्शन में है, बी वेक्टर और लूप एक डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, तो ये बताओ बी वेक्टर के साथ एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, 90। तो अगर लूप और इस बी में एंगल जीरो है पर एरिया वेक्टर उस टाइम एंगल क्या बना रहे हैं, 90। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? आप इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि सपोज ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, लूप का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली, ये पेन मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं एक मिनट, ये साइड ऑफ द लूप है। तो इमेजिन करो ये बी वेक्टर है, ये साइड ऑफ द लूप है, लूप नीचे की तरफ है, इस पेन के नीचे लूप है, तो ये टॉप साइड है लूप की और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो, और ये एरिया वेक्टर है लूप का, तो एंगल क्या बनाएगा, 90। सिचुएशन क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने लूप को घुमा दिया, अगर मैंने लूप घुमा दिया तो सोचो इसका जो एरिया वेक्टर था वो भी घूम जाएगा। जैसे मैं कॉपी में करके दिखा देता हूं, जैसे सपोज ये लूप है, ये ना मैंने लूप घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी घूम गया, तो वो तो 90 डिग्री पे रहेगा ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो मैं ये समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो ये लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है और ये एरिया वेक्टर है, ब्लैक कलर का पेन बी वेक्टर है, ये लूप है और ये एरिया वेक्टर है, एंगल 90 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लूप को मैंने घुमा दिया ऐसे सच दैट बी वेक्टर के साथ इसे एंगल क्या बनाया, थीटा, तो एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा पर लूप के साथ एंगल हमेशा क्या बनाएगा, 90। इमेजिन कर पा रहे हो इसे? जैसे इस फिगर में दिखा देता हूं, जैसे ये फिगर है, ये लूप है, लूप और बी में एंगल कितने हैं, थीटा, और ये नॉर्मल टू द लूप है, नॉर्मल टू द लूप, लूप के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90 ना, लूप के साथ तो एंगल 90 ही बनेगा। तो अगर ये लूप अंदर घूम गया तो एरिया वेक्टर भी यहां की जगह ऐसे हो जाएगा, तो इस लूप के साथ ये एरिया वेक्टर एंगल हमेशा क्या बनाएगा, 90। लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, अल्फा। लेकिन ये भी रूल है कि लूप और ये एरिया वेक्टर हमेशा एंगल 90 बनाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, 90। चेक कर लो, थीटा प्लस अल्फा 90 है। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, ये क्या हुआ इसमें? तो आप मुझे एक मिनट के लिए रजिस्टर देना कोई, ठीक, जैसे कोई ये एक कॉपी है,
फिर से इमेजिन करके देखो एक मिनट के लिए, ये आपका एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड प्लीज बोर्ड इस तरफ ही लेना, वो उसको मत छेड़ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है ठीक। ये लूप है ऐसे घुमा दिया, तो बी वेक्टर के साथ ये देखना, इस पेन ने पकड़ना नीचे से ऐसे, यार ये पकड़ लो ऐसे साइड पे आके ठीक है, ये ऐसे रखना, तो ये बी वेक्टर ऐसे, ये लूप ऐसे हो गया, तो बी वेक्टर ये रहा, सीधा रखना इसे, यहाँ से पकड़ लें ठीक है, तो ये लूप है, ये बी वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है, ये रहा 90, तो एरिया वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ एंगल 90 पर लूप ने बी वेक्टर के साथ एंगल 0, घुमाओ इसे इधर, तो इसके साथ एंगल कितना थीटा। अब ये पेन ऐसा 90 डिग्री पे हो गया, दो पेन के बीच में एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है और ये और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो या तो अल्फा बोलो या 90 माइनस थीटा, एक ही बात है। कहने का मतलब ये एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल अल्फा, तो बी वेक्टर और लूप के बीच में एंगल थीटा, तो ये अल्फा ये थीटा, लेकिन टोटल एंगल क्या रहेगा यहां पर 90। इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को, तो याद रखना। फिर एक शॉर्टकट है, मतलब ये एक्सप्रेशन इतना बोझ मानने की जरूरत नहीं है, अगर डेरिवेशन आती है तो ये आपको समझाना थोड़ी ना, आपने डायरेक्शन कैसे ली, उठा के लिखो ऊपर नीचे बोलो कैंसिल हो गई, लिख दो अंदर बाहर, बोलो कि टॉर्क जनरेट हो गई, चार लाइन में तो खत्म हो गया। फिर बोल देना कि इसके अंदर ये बी कॉस थीटा है और मैं टॉर्क जनरेट किया, बी आई एल इन टू बी कॉस थीटा, टॉर्क आ गया। फिर लिख देना कि एरिया वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर ने बी वेक्टर या नॉर्मल ने बी वेक्टर के साथ अगर एंगल अल्फा बनाया और बी वेक्टर ने लूप के साथ एंगल थीटा बनाया, इन दोनों का सम हमेशा 90 ही रहेगा। तो थीटा क्या है 90 माइनस अल्फा, टॉर्क का एक्सप्रेशन आया हुआ है, इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 90 माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा। दूसरा फॉर्मूला नोट करो टॉर्क का, आप इस सारी बुक्स ये यूज करती हैं, एन बी आई ए साइन अल्फा, लेकिन लिखना साथ में वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ये लूप और बी का एंगल नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल में लूप और बी का एंगल गिवन है आप कॉस यूज कर लेना, और अगर आपको एरिया वेक्टर और बी का एंगल गिवन है फिर आप साइन यूज करना। ऐसे मत याद करके जाना पेपर में कि मुझे थीटा गिवन होगा मैं कॉस यूज कर लूंगा, अल्फा गिवन होगा तो मैं, भाई तुम्हें तो 30 डिग्री गिवन होगा, 30 डिग्री शक्ल देख के कैसे बताओगे थीटा की अल्फा है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा अगर एंगल लूप में और बी में गिवन है फिर तो कॉस का फॉर्मूला, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मींस एरिया वेक्टर और बी में गिवन है तो फिर टॉर्क में साइन का फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है यहां तक। जैसे सपोज करो अगर ये एक लूप है, बताओ इस लूप ने, ये लूप बी वेक्टर के साथ अलाइंड है, ये लूप बी वेक्टर के साथ अलाइंड है, बोलो इसमें थीटा क्या है, लूप और बी में एंगल कितना है 0, एरिया वेक्टर और बी में एंगल कितना है 90, क्योंकि एक 0 तो दूसरा 90, माइनस 0 90 ही आएगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, जो लोग तो कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो क्या बोलेंगे, एन बी आई ए कॉस 0, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला कब लगता है, जब एंगल किसके बीच में गिवन होता है, बी वेक्टर और लूप के बीच में कॉस 0, और अगर कोई साइन लगाना चाहे तो एन बी आई ए साइन 90, आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा। बुक्स ज्यादातर साइन लगाती हैं, साइन ही लगाना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगले लेक्चर में देखेंगे इसको वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, उसमें साइन चाहिए होगा, इसलिए साइन लगाती हैं, सारी बुक्स साइन में खेलती हैं। मैं नहीं, मैं तो लूप के और बी के बीच में एंगल तो कॉस लगा दूंगा और एरिया वेक्टर और बी के बीच में तो सीधा साइन लगा दूंगा, बात ही खत्म, दो कैटेगरीज बना दूंगा। तो इसके अंदर ये आप देख पा रहे हो टॉर्क का फॉर्मूला कोई भी यूज किया जा सकता है, जैसे आपको पेपर में गिवन है कि लूप लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर लूप और बी सेम डायरेक्शन में है तो एंगल उनके बीच में थीटा क्या होगा 0, तो अल्फा क्या होगा 90, तो जो लोग थीटा यूज कर रहे हैं वो कॉस 0 बोल देंगे, जो अल्फा यूज कर रहे हैं साइन 90 बोल देंगे, आंसर आ जाएगा, दोनों में आंसर सेम है। पर इंपॉर्टेंट सबसे ये पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ी हुई है, सेम डायरेक्शन में बी सेम में लूप पड़ा हुआ है, तो टॉर्क उसमें हमेशा क्या आएगा मैक्सिमम। तो याद रखना अगर लूप और मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन तो लूप विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क,
और अगर लूप कैसे पड़ा हुआ है 90 डिग्री पे, अगर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाता है, लूप ने बी के साथ एंगल 90 बनाया, तो थीटा क्या होगा 90, तो टॉर्क क्या होगा जीरो, क्योंकि लूप ने अगर बी के साथ एंगल बना दिया तो थीटा 90 हो गया, तो कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम टॉर्क को, तो लूप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर दें, उसमें करंट छोड़ दें, एकदम मैक्सिमम टॉर्क आएगा। अगर 90 डिग्री पे छोड़ दिया फिर ना आएगा टॉर्क, जीरो, घूमेगा ही नहीं। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? टॉर्क का एक्सप्रेशन क्लियर है?